एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. सो वी हैव अ ब्यूटीफुल सर्कल and they're giving you certain information in the figure itself. They're giving you a chord. Okay, they're giving you a chord, they're giving you a center. Giving you a center also, and they're giving you this is chord ka distance of chord AB from the center of the circle. So this is chord AB, okay? Distance of chord AB. Everybody, open up your textbook. Beta, pehle to textbook kholo, please. Aise sums ke liye textbook kholo. Diagram diya ki nahi diya? Question pehle dekho. Nahi diya to khud se banana bhi aana chahiye tum logo ko. Question mein nahi diya beta diagram. Dekho khud se banana aana chahiye. डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड एबी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर. तो एबी एक कॉर्ड है, उसका सेंटर से डिस्टेंस उन्होंने दिया है 8 सेंटीमीटर. तो लेट्स से ये ओ है और यहां पर कोई डिस्टेंस है, ये ओ है. मैं इन्होंने क्या दिया है, ओएम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दिया इन्होंने, ठीक है. क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड एबी इज 12 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, क्या बात है. बोला है फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल. बच्चों डायमीटर निकालने के लिए रेडियस निकालने का पहले, तो तुम्हारा रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तुम्हारा रेडियस हो जाएगा. अगर तुमको ये मिल गया तो तुम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हें डायमीटर मिल जाएगा. सो हिंट क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या, दो गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है लेट्स से सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है. क्वेश्चन में और क्या दिया, सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB, आल्सो OM इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, सेगमेंट OM इज एंड कॉर्ड AB इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर. ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है. क्या ढूंढना है, टू फाइंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल. डायमीटर निकालने के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन पार्ट. एक सिंपल चीज है बेटा, ए बी अपने को पूरा दिया है, अपने को ए बी का देखो पाइथागोरस थ्योरम अपने को यूज करना है, अगर 90 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो अपने को ए एम पता होना चाहिए. ए बी पूरा क्या करेंगे अपन, अपने को ए एम पता होना चाहिए तभी तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो कहना है राइट बेटा, सिस्टमेटिक तरीके से सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, सो हाउ कैन आई राइट इट अदर, क्या मैं लिख सकता हूं, ए एम विल बी हाफ ऑफ ए बी. रीजन द परपेंडिक्यूलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड 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 बाइसेक्ट द कॉर्ड 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 बाइसेक्ट द कॉर्ड 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 कॉर्ड. Therefore, AM will be equal to half of 12. This will be equal to 6 सेंटीमीटर. तो प्यारे बच्चों ये 6 सेंटीमीटर आ गया. क्या अब तुम निकाल सकते हो बेटा तुम्हारा रेडियस, अब तुम निकाल सकते हो रेडियस कि नहीं, निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो बेटा आप रेडियस. इन ट्राइंगल OMA, एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर चलो देखना बेटा इधर, देखो ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया ये वाला, देखो मेरा मार्क देखो किधर है. देखो OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. तो निकालो कैसे आएगा, निकालो कैसे आएगा. देयरफॉर OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM कितना है बेटा, 8 स्क्वायर है. ऐसा लिखना पा पाइथागोरस थ्योरम, AM क्या है 6 स्क्वायर आ गया, क्योंकि अपने 6 निकाला, वो टोटल रॉयल था, अपने को पाइथागोरस थ्योरम यूज करा था. तो 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 6 स्क्वायर 36.
देखो OS square will be equal to 64 plus 36. 64 plus 36 कितना होता है? 100 होता है, बराबर कि नहीं बेटा? देखो OA will be equal to square root of 100, taking square root. Therefore, OA will be equal to 10 centimeter. अगर सेंटीमीटर में दिया था क्वेश्चन, सेंटीमीटर, हाँ, तो A मिल गया. तो बेटा OA तुम्हारा क्या था बताओ? What was तुम्हारा OA? OA तुम्हारा क्या था? That is, radius of the circle is 10 centimeter. क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछा था, बच्चे इधर ही खुश हो जाते, छोड़ देते हैं. डायमीटर पूछा था. Therefore, diameter of the circle will be equal to, yes बेटा, diameter of the circle will be equal to 2 into radius of circle. 2 into 10, 20 centimeter. देखो लास्ट में लिखो, देखो द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर एंड गिव इट अ ब्यूटीफुल बॉक्स. ओके बेटा, तुमने क्या किया क्वेश्चन में? मैंने एक्चुअली कुछ नहीं किया, बहुत इजी क्वेश्चन था. सो बेसिकली मैंने फिगर बनाया, उन्होंने कॉर्ड दिया था और बोला था सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर. ये बच्चे नहीं समझ पाते बहुत सारे, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर था. कॉर्ड 12 सेंटीमीटर दिया था, मैंने उसको आधा कर दिया क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड. अगर टोटल 12 है तो 6 होगा AM, बराबर. फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेटा ये निकाला, मेरा रेडियस 10 सेंटीमीटर. फिर रेडियस मिल गया तो डायमीटर उसका ट्वाइस होगा. तो ये तरह से मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया बेटा. क्वेश्चन टू देखो बेटा, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. कुछ सोचने का नहीं, पहले सर्कल बना देने का, एक बार कुछ नहीं सोचने का. पहले सर्कल चैप्टर में सबसे पहले काम करने का सर्कल बनाने का, और कुछ नहीं सोचने का. ओके, एक सेंटर बनाओगे, क्या दिया है? डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो कॉर्ड भी दिया है. चलो कॉर्ड बनाओ पहले. तो कॉर्ड दिया, चलो कॉर्ड दिया है, सेंटर दिया है, बोला डायमीटर ऑफ द सर्कल. चलो क्या क्या गिवन देकर रखा है इन्होंने, अपन एक ले लेते कॉर्ड को, ले लेते ए बी, इसको ले लेते पी, है ना. और यहाँ पर तो अपने को ड्रॉ करना ही पड़ेगा लेटर ऑन परपेंडिकुलर, रेडियस भी ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये सब तो कॉमन चीज है बेटा. तो डायमीटर देख रखा है तो रेडियस ड्रॉ करके रखने का बेटा. क्या देख रखा है? देखो अ सर्कल विथ सेंटर पी, ओके, एंड डायामीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर. और क्या देख रखा है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बराबर. क्या ढूंढने बोला है? टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. समझो मैं इसको ले लेता हूं पी एम, बेटा बोलो क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस निकालने बोला है. तो क्या निकालने बोला है उन्होंने बताइए, चैट बॉक्स पर लिखकर बताइए उन्होंने क्या बोला है, बोलो. डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब क्या निकालना है अपने को बोलो. डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर निकालने बोला है, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, तो ये निकालने बोला है तुम लोगों को. यस बेटा, ये निकालने बोला है तुमको. किसने बोला? हाँ, वो पीएम निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तुमको, तुमको पीएम निकालना है. ओके बेटा, तो देखो अभी, अब देखो बेटा तुम्हारे पास क्या है. देखो
तुम्हारे पास डायमीटर है तो तुमको रेडियस मालूम पड़ जाएगा ये वाला, अगर डायमीटर 26 सेंटीमीटर है तो रेडियस 30 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा बड़ा अच्छी तरह से वो, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको, है ना, एग्जाम के लिए मार्क्स का तोड़ना पड़ता है फिर। चलो फिर सोल्यूशन पार्ट में क्या आ जाएगा देखना ध्यान से, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, देखो रेडियस विल बी, रेडियस क्या होता है, टू टाइम्स होता है डायमीटर का बराबर, टू टाइम्स होता है डायमीटर का रेडियस, रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर से हमेशा छोटा होता है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 26, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, इसको लिख दो उधर, 13 सेंटीमीटर लिख दिया अपन ने, और क्या दिया है, कॉर्ड का लेंथ दिया है, कॉर्ड कितना दिया उन्होंने, मैं आगे लिख रहा हूं बेटा, ये कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, किसी का कुछ चैट आई है, वेट अ सेकेंड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर, ओके बेटा, देयरफॉर अब देखो क्वेश्चन में क्या देख रखा है, देखो बेटा पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, therefore ये given part है, therefore AM will be half of AB, reason the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, पूरा पूरा लिखना है तुमको, देखो AM will be equal to half of 24, this is 12 centimeter, तो AM is 12 centimeter, तो ये तुमको 12 मिल गया, अब तुमको ये निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो बेटा, इन ट्रायंगल PMA, एंगल PMA is 90 degree, therefore PA square will be equal to PM square plus AM square, therefore PA square कितना है, 13 square है, PM अपने को निकालना है और AM square is 12 square, 13 square is 169 is equal to PM square plus 144, therefore 169 minus 144 equal to PM square, therefore 169 minus 144 कितना होता है, 25 will be equal to PM square, therefore PM square will be equal to 25, therefore taking square root देखो PM will be equal to 5 सेंटीमीटर, तो तुमको PM मिल गया बेटा, हम सफल हुए माँ, हम सफल हुए, 5 सेंटीमीटर आ गया, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो लिखने का फिर लास्ट में, देखो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, देखो बेटा क्वेश्चन 3 अगेन सर्कल के बारे में दिया है, तो पहले तो सर्कल बनाओ बेटा, क्या दिया देखो, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सर टेक्स्ट बुक ओपन रखो बेटा प्लीज, टेक्स्ट बुक ओपन रखो, बेटा देखो सज्जन क्या दिया, देखो सेंटर है तो कॉर्ड दिया एक, तुमको डिस्टेंस दिया सेंटर ऑफ द सर्कल से, सेंटर द सर्कल से दिया डिस्टेंस, ओके, और ये तुम्हारा रेडियस है, क्या दिया क्वेश्चन में देखो, रेडियस 34 सेंटीमीटर, तुमको लिखना अब तक आ चुका होगा बेटा कैसे लिखता है, रेडियस 34 सेंटीमीटर दिया है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड समझो, ये मैंने लेता हूं, ये मैं लेता हूं ए बी, इसको मैं लेता हूं पी क्यू,
समझो डिस्टेंस तुमको पीक्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर दिया है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर 30 सेंटीमीटर दिया है, तुमको निकालना है कॉर्ड का लेंथ। तो पाइथागोरस थ्योरम करके तुम AQ निकाल सकते हो, उसको डबल कर दो तो तुमको ये भी मिल जाएगा, कॉर्ड मिल जाएगा, समझ गए? तो इतना इजी है बेटा, देखो दिक्कत तो तुमको आ गया होगा गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन कैसे लिखता है। अब डायरेक्टली तुम ये देखो, इंटर एंगल PQ है, एंगल PQA इज 90 डिग्री, देखो PA स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा गिवन इवन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम लिख लोगे, गिवन टू फाइंड, गिवन में क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है, वैल्यूज और निकालना कि अपने को AB निकालना है, कॉर्ड निकालना है, तो ये चीजें तुमको आनी चाहिए बेटा, मैंने दो शब्द डिटेल में बता के रखा है। और PA स्क्वायर क्या है, 34 का स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर इज 30 स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। 34 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156 इज इक्वल टू 900 प्लस AQ स्क्वायर, देखो 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू AQ स्क्वायर, देखो 1156 माइनस 900, अगर नहीं आता 34 का तो मल्टीप्लाई करके देखो बेटा बाजू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है उसमें, तो ये 256 हो जाएगा इज इक्वल टू AQ स्क्वायर, देखो AQ स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, वेरी गुड बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट, देखो AQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256, ये कितना होता है 16 होता है, इतना तुमको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था बेटा तुम लोगों को मैंने, बहुत सारे है ना 16 सेंटीमीटर। अब तुमको AQ नहीं चाहिए, देखो अब तुमको कैसा चाहिए, ध्यान से देखना, तुमको AQ नहीं चाहिए, तुमको AB चाहिए, तो बेटा बताओ PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर AQ इज हाफ ऑफ AB, रीजन पूरा स्टार्टिंग का ही था, परपेंडिकुलर पूरा जो स्टार्टिंग में था, जो भी जितना भी पूरा ये रीजन था, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा देखो बेटा, ओके पूरा का पूरा रीजन तुमको लिखना है यहाँ पर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो पूरा तुमको लिखना है बेटा जो मैंने पहले बता के रखा है, देखो AQ 16 है इज हाफ ऑफ AB, देखो AB विल बी इक्वल टू 16 इनटू 2 32 सेंटीमीटर, देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 32 सेंटीमीटर, देखो लास्ट में AB 32 सेंटीमीटर, इतना इजी क्वेश्चन बेटा देखो। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में भी सर्कल की बात चल रही है बेटा, सेम टू सेम है हर क्वेश्चन में, सेम टू सेम है, थोड़ा थोड़ा सा बदल के दिया बस, अब तुमको बहुत इजीली आना चाहिए बेटा सब कुछ। क्या दिया है इसमें देखो, एक सेंटर दिया है, कॉर्ड दिया है, ये दिया है और रेडियस दिया है, सबका सेम ही होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा। क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 41 सेंटीमीटर, रेडियस 41 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी रेडियस 41 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस 41 सेंटर दिया है, क्या दिया है समझो, मैं नाम दे देता हूं इनका, ये ए बी जैसे सी है, ये डी ले लेता हूं, रेडियस 41 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 80 सेंटीमीटर, लेंथ 80 सेंटीमीटर दिया कॉर्ड का, तो आधा हो जाएगा उसका, क्या बोला है डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये निकालना है तुमको, तो टू फाइंड क्या करना है तुमको, AD फाइंड आउट करना है, पहले गिवन जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको तुम लिख सकते हो। देखो बेटा पूरा कॉर्ड 80 दिया, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है BD से, तो BD आधा होगा BC का, तो लिखो बेटा पूरा, देखो AD इज परपेंडिकुलर टू सोल्यूशन पार्ट में, और पूरा गिवन टू फाइंड अच्छी तरह से लिख देना बेटा, अब तक मैंने तुमको बहुत सारे क्वेश्चन बता के रखे, AD इज परपेंडिकुलर टू BC गिवन है, देयरफॉर BD will be half of BC, same reason, the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, BD is half of 80, so BD is 40 centimeter, so beta tumhara BD jo hai, BD jalai le 40 centimeter aa gaya, ab tumko ye nikalna hai, therefore in triangle ADB, angle ADB is 90 degree,
देयरफॉर AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. देखो AB इज 41 स्क्वायर, AD हमको नहीं पता, वही तो हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द क्वाड्रेंट फ्रॉम द सेंटर 40 स्क्वायर. थोड़ा मल्टीप्लाई करो यार, तुमको ने बता के रखा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. 41 स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज 41 स्क्वायर? व्हाट इज 41 स्क्वायर? 1681 is equal to AD square plus 1600. 41 into 41 करके देखो चाहिए आता है तो 1 4 4 16, तो 1681, तो 1681 minus 1600 equal to AD square. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा बोलो. देखो 81 will be equal to AD square. देखो AD square will be equal to 81, taking square root. Therefore, AD will be equal to 9 centimeter. तो तुमको AD मिल गया 9 centimeter. ये तो चाहिए था तुमको बेटा, right? खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही तो है बेटा. That's it. यही तो तुमको करना है बेटा. चार क्वेश्चन में अपने वही किया है. अलग अलग फॉर्म से उन्होंने क्वेश्चन दिया और कुछ नहीं है. अलग अलग फॉर्म में उन्होंने एक ही चीज बताई अपने को. देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से. तो यही था बेटा. So, इसमें अच्छी तरह से चार क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे जाओ तुम लोग, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. ओके बेटा.